हल्द्वानी में कांग्रेस ने बुधवार को कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में नैनीताल जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी शामिल हुए। इस दौरान मंच से कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ में रणनीति तैयार की जा रही है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, साथ ही पार्टी नेताओं से विचार विमर्श भी कर रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। विचार विमर्श कर रहे हैं, निचले स्तर पर बूथ स्तर पर हमारी क्या स्थिति है इसका आकलन कर रहे हैं। सभी हमारे साथियों ने कहा है कि बूथ मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए, बूथ कमेटियों का गठन होना चाहिए, कई जगह बूथ कमेटियां बनी हैं। और अगला चरण जो हमारा है उसमें हम सीधे अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे, उनके सुझाव भी लेंगे, क्योंकि चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं। हम निश्चित थे, जिला सम्मेलनों की आवश्यकता महसूस हो रही थी और हम तीन अलग अलग फेजेस पे काम कर रहे हैं इस समय। देवप्रयाग से हमने, जहाँ से गंगा जी बनती है वहाँ से हमने इसका शुरुआत की थी, उसके बाद रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, लोहागढ़, चंपावत, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर और अल्मोड़ा के हम कर चुके हैं। आज नैनीताल ज़िले की ये बैठक है और इसमें जहाँ अपने अध्यक्षगणों से विभिन्न जो हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ हैं उनके जो कार्यकर्ता उनके सुझाव हम ले रहे हैं। नहीं देखिए, बहुत बड़ा मैं संघ जिला अध्यक्ष महोदय और महानगर अध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूँ। सफल आयोजन हुआ है पूरे ज़िले से, पूरे महानगर क्षेत्र से, नैनीताल जनपद का पूरा अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ है, हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण से लेके हमारा आम कार्यकर्ता जो है, और एक क्लोज डोर में हुआ है। मीडिया को भी अभी आमंत्रित करा है, तो जो उनके कोई पीड़ा या दर्द भी था, क्योंकि होता है कार्यकर्ताओं की कभी कभी पीड़ा होती है, दर्द होता है, सुझाव होते हैं।